कौन कौन सी एक्सरसाइज करती हो? तो सर लेट कर बैठ कर? लेट के भी करती हूँ। अच्छा, बैठ के भी करती हूँ। तो लेट के ये वाली करती हूँ। अच्छा, पहले ये सीधा करती हैं, फिर इसको मोड़ती हैं। ये ठीक है, बहुत सुंदर। ये और ये राउंड, ये वाला राउंड घुमाती है, और ये पंजे इस तरह से ऐसे गोल घुमाती है। ठीक है, ये चार पांच एक्सरसाइज में रेगुलर कर रही हूँ। अच्छा, तो उससे मुझे काफी रिलीफ, पैर के नीचे बैठने में दिक्कत, बहुत बहुत भारी लग रहा था कि अच्छा। कैसे बैठूंगी, अब तो मैं थोड़ा आराम से बैठ जाती हूँ। जी सर। खड़ी हो जाओ, आओ। तो इनमें पानी बन गया फिर, तो एक अच्छा। बार मैंने निकलवाया पानी, पानी निकल जी। ओके। तो फिर 15 दिन ठीक रहा, फिर दोबारा जैसे मैं गई डॉक्टर साहब के, उन्होंने बोला कि फिर इसमें पानी आ रहा है, फिर निकलवा लो। ये इस पैर में, इस साइड ऊपर यहाँ सूजन जी रहती थी, जी जो अब सूजन खत्म हो गई है। कार्ड नंबर 20438, मुक्ता त्यागी। यस, फटे हुए मिनिस्कस या टीयर मिनिस्कस या भयंकर घुटने के दर्द ठीक होते हैं। फटा हुआ मिनिस्कस नॉर्मली कहते हैं, जो फट गया वो तो ऑपरेट ही करना पड़ेगा, निकालना बहुत मुश्किल है। और रैप्चर हो गया है या उसमें कुछ भी इंजरी हो गई है, नॉर्मली एक ही बात बोलते हैं, केवल सर्जरी से ही ठीक होगा, ठीक हो सकता है। ये रामगोपाल की ताकत नहीं है, लेकिन भारत के विज्ञान की ताकत है, जिस विज्ञान को रामगोपाल अपने यहाँ ट्रीटमेंट अपने साथियों से कराता है। इसी की एक सक्सेस स्टोरी मुक्ता जी आपके साथ शेयर करेंगी। मुक्ता जी, अपनी पूरी बात बताओ, कैसा लग रहा है, क्या तकलीफ थी, सारी बात बताओ। सर, मुझे 2 अप्रैल 2023 में ये दिक्कत आई थी, बैठ के जैसे उठी तो मेरे से चला नहीं गया, एकदम चला नहीं जी, चला नहीं गया। तो फिर हमने डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने MRI कराई इसकी, कि वो उसमें आया कि इसका मेनिस्कस टियर हुआ है, सेकंड ग्रेड का जी। ओ अच्छा। तो उन्होंने कहा कि आप, ये सेकंड ग्रेड का दवाइयों से ठीक भी हो सकता है, और इसकी हमें सर्जरी भी करा सकते हैं, करानी पड़ सकती है, पड़ सकती है जी, आप पहले दवाइयाँ खा लो। तो सर, मुझे 2-3 दिन, महीने हो गए खाते खाते, इसमें आराम नहीं लगा, बल्कि दूसरे पैर में भी मेरे इसके साथ साथ सूजने आने लगा। जी, मतलब पहले राइट में तकलीफ थी, जी जी, उसका वजन झेलते झेलते लेफ्ट पैर में भी इस सूजन आ गई, लोड आ गया जैसे। हाँ। तो इनमें पानी बन गया फिर, तो एक बार मैंने पानी भर गया जी घुटने में, फिर वो बोले डॉक्टर साहब कि पानी निकलवा लो इसका। तो एक बार मैंने निकलवाया पानी जी। ओके। तो फिर 15 दिन ठीक रहा, फिर दोबारा जैसे मैं गई डॉक्टर साहब के, उन्होंने बोला कि फिर इसमें पानी आ रहा है, फिर निकलवा लो। अच्छा, दोबारा फिर पानी निकलवा लो, मतलब बार बार पानी भर रहा है। ये इस वाले घुटने की बात कर रही हूँ, तो ये तो पूरा मोटा ही हो गया था ना? जी सर, आज अब मुझे काफी रिलीफ है इसमें। अच्छा जी, तो फिर मैंने मना कर दिया कि मैं पानी नहीं निकलवाऊंगी। फिर दूसरे डॉक्टर हैं हमारे शहर के, बहुत फेमस डॉक्टर हैं। कहाँ की? मुजफ्फरनगर। अच्छा, मुजफ्फरनगर जी। तो उन्होंने, मैंने उन्हें दिखाया, उन्होंने एक्सरे करवाया, उन्होंने कहा कि इनको तो सर्जरी ही करवानी पड़ेगी, आपके घुटने से घुटने मिल चुके हैं, वो घिसवाने पड़ेंगे, कटवाने पड़ेंगे। अच्छा, रिपेयर करानी पड़ेगी, करानी पड़ेगी या अंग रिप्लेस करेंगे? हाँ जी, रिप्लेस तो नहीं बोला, रिपेयर बोला। अच्छा। रिपेयर बोली, 15 साल चल जाएंगे, रिपेयर करा लो। तो मुझे थोड़ा सा, अभी एज भी मेरी 46 है, अभी करा लूंगी तो थोड़ा सा आगे के लिए भी दिक्कत बन जाएगी। तो फिर मैंने आपकी यूट्यूब पे वीडियो देखी, तो मैंने सोचा एक बार दिखा लेते हैं, जो भी होगा देखा जाएगा। तो, जी सर। तो आपको किस बात से ट्रस्ट हुआ, भरोसा कैसे आया? वीडियो तो बहुत सारी मिलती हैं। बस डॉक्टरों को दवाई खा कर तो मैं परेशान हो चुकी थी, सोचा दिखा लूँ एक बार। फिर मैं यहाँ आई तो मुझे एक ही थेरेपी से रिलीफ सा हुआ। अच्छा, तो पहली थेरेपी से उल्टे घुटने में रिलीफ हुआ। अच्छा, तो फिर हम वो कर गए आपके लिए, यहाँ रजिस्ट्रेशन करके, आपने 20 थेरेपी बोली वो मैंने कराई पूरी, तो मुझे काफी आराम है। काफी आराम है। मैं कैसे मानूं कि आपको आराम है? पहले क्या नहीं कर पाती थी, अब क्या कर पाती है? सर, एक तो सीढ़ियाँ चढ़ने में मुझे बहुत दिक्कत होती थी, सीढ़ियाँ चढ़ना मुश्किल था। अच्छा, दिक्कत तो अभी भी है, लेकिन अब थोड़ा पहले से काफी आराम है। अच्छा जी, तो एक सीढ़ियाँ चढ़ने में अब आराम आ गया जी। और इसकी सूजन, मुझे लग रहा है कि मेरी सूजन खत्म हो गई जी, जी, पानी वानी सब ठीक होगी इसके। अच्छा, पहले कहाँ ज्यादा सूजन रहती थी, थोड़ा दिखाओ, ऐसे बता दो। हाँ। ये इस पैर में, इस साइड ऊपर, यहाँ सूजन रहती जी, थी जी, जो अब सूजन खत्म हो गई है।
अच्छा और मैं रेगुलर आपकी जो एक्सरसाइज बता रखी वो कर आपने वो लेती कर हो? रही हूँ। कैसे एक्सरसाइज करती हो दिखा सकती हो? दिखा यस सर। दो, थोड़ा पता भी चल जाए, है ना? नीचे हाँ बैठ हाँ नीचे बैठ कर के करो जी। कौन कौन सी एक्सरसाइज करती हो? तो सर, लेट कर बैठ कर? लेट के भी करती हूँ, अच्छा बैठ के बैठ भी के भी, करती है, ठीक पहले तो है। लेट के ये वाली करती हूँ, अच्छा पहले ये सीधा करती हैं फिर इसको मोड़ती हैं, ठीक है, बहुत सुंदर। ये और ये फिर राउंड, ये वाला राउंड जी घुमाती हैं, जी ठीक और है। फिर ये आपने ये बता ये भी रखी बैठ के करती हैं या खड़े ये होके बैठ के करती करके? हूँ बैठ के दिखाओ, मतलब जो आप कर रही हो ना जी सर। ये सब आपको देखकर आपको तो रोल मॉडल मानने वाले हैं लोग, तो मॉडल रोल मॉडल माने जी, तो मतलब यहाँ ये प्रेशर देकर जी इसको आप सीधा हाँ करती थी, और ये और ये पंजे इस तरह से जी ऐसे गोल जी घुमाती जी हैं, जी ठीक ये है। 4-5 एक्सरसाइज मैं रेगुलर कर रही हूँ तो अच्छा उससे मुझे काफी रिलीफ है ओके, तो जी अभी सर। आप जैसे बैठ गई हैं नॉर्मली हाँ ऐसे सर, बैठना संभव सर नहीं। शुरू में तो जैसे मैंने सोची थी वहां आपका देखा, मैंने बैठ के नीचे बैठने में दिक्कत, बहुत बहुत भारी लग रहा था कि कैसे अच्छा बैठूंगी। अब तो मैं थोड़ा आराम से बैठ बैठ जाती हूँ गई जी सर। खड़ी हो जाओ, आओ जैसे ही घुटने मेरे ऐसे मुड़ते नहीं थे पहले, है? ऐसे घुटने अब मेरे वैसे ये मुड़ते उठने का नहीं थे। तरीका ठीक नहीं था, हाँ मुड़ने ऐसे तरीका नहीं रखना उठने जी का। जी अब सर। दोबारा बैठो, फिर से मैं बताता हूँ कैसे बैठना, और पीछे होके यहाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। हाँ अब खड़ी हो जाओ, खड़े होने का तरीका बिल्कुल यही तरीका है खड़े होने का, हर घुटने वाले का तरीका यही है। ये मतलब अगर ऐसे करके उठक बैठक लगानी है ये वो तो एक अलग बात है, नहीं तो ऐसे जो बैठ करे ना, ये जो बैठे हाथों का यही सपोर्ट लेकर के तरीका खड़ा जी होना है। घुटने के दर्द वाले को ऐसे खड़े होने बैठने से घुटने जो ठीक हो गए ना एक बार जी वो दोबारा खराब नहीं होंगे, नहीं तो दोबारा भी खराब हो जाते हैं जी सर। अगर वो हो गया आप बैठो। लेकिन मतलब अब आपको ये कह सकती है लोगों को कि जो टीयर रैप्चर हो हाँ गए हैं, फट गए हैं, टीयर हो गए हाँ हैं मेस्कस, तो बिना ऑपरेशन के ठीक? जी मेरे चाचा जी को दिक्कत हुई है, वो बोले कितना आराम है, मकान नहीं मुझे आराम है चाचा जी बोले मैं उनको। अच्छा मतलब चाचा तैयार हो गए कि हाँ मुझे देखो, मुझे हाँ देखो करना देखो। है? हमने कोई सर्जरी करी है, नहीं नहीं कोई नहीं दवाई खिलाई? नहीं कोई नहीं, मतलब शरीर अंदर से अपने को रिपेयर कर सकता है, केवल उसको रिपेयर करने का जो भारत का अपना तरीका है उसे प्रॉपर अपनाने की जरूरत है। मैं ये नहीं कहता हूं कि सारे के सारे लोग 100% ठीक हो जाते हैं, पर ऐसे मुक्ता जी जैसे मोर देन 90% लोग अच्छे होकर जाते हैं, है जी सर ना? आपने तो बाकी लोगों को भी देखा जी होगा, सर तो जो अच्छे होकर जाते हैं, और जब ऐसे लोग अच्छे होते हैं हमको अंदर से बड़ी खुशी होती है, किसी के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल हमारे को बहुत सुख और शांति देती है। इससे बड़ी धन, इससे बड़ी ब्लेसिंग्स, इससे बड़ा और कोई ईश्वरीय कृपा दूसरी नहीं हो सकती कि हमारे कारण किसी की निराशा आशा में बदल जाए, और मुक्ता जी की निराशा जी आशा सर में बदल गई। अब डांस करना है शादी में, है? डांस अब तो ना चल माऊ ना वही बहुत हो जाएगा सर। तो चलने वाली है, आप हाँ चल सर गई, मेरा ही कहना चल गई, है ना? सावधानी से रखना जी और अभी एक्सरसाइज करना, जी सर और मानिए आप 1 महीना 2 महीने परहेज और रखना, जी सर 1-2 महीने परहेज रखेंगी तो आपके घुटने फिर टिल डेथ नेचुरल रहेंगे, मरते दम तक सर नेचुरल रहेंगे, पर इन्हें ठीक रखना ये हमारी अपनी जिम्मेदारी है। जी झटका न लगे, सावधानी से चलो। अगर 6 महीने और 8 महीने आपने दर्द को रोके रखा जी सर फिर दोबारा कभी नहीं आया, पर अगले जैसे हड्डी टूट गई ना, जी अब हड्डी टूट गई जुड़ तो जाएगी 8 हफ्ते में 2 महीने सर में, लेकिन वो कच्ची कमजोर है। कमजोर हो अगर गई आपने 5-6 महीने साल भर उसको ज्यादा कुछ धक्का धुक्का नहीं किया तो परमानेंट जुड़ जाएगी, फिर आप लोहे जैसे हो जाएगी। लेकिन अगर जल्दी ही हमने चेक कर लिया, देखें कुछ होता है कि नहीं होता, तो फिर वो दोबारा खराब हो जाएगी। तो इसीलिए ये हीलिंग अभी हमने की है, ये 2-4-6 महीने 8 महीने आपने अपनी सावधानी रखना है, थोड़ा खाने पीने का परहेज रखना है, चलना है पर दर्द ना आए इतना चलना है, जी सर खड़े होना है पर दर्द ना आए उतना खड़ा होना है, रसोई में कुर्सी या स्टूल रख लो जी सर उस पर काम करो। 4-6 महीने के बाद तो फिर आप फिट हैं, जहां मर्जी जाओ, चाहे
ऊपर नीचे जंप लगाओ सब चलेगा सर, ठीक है ना। तो जैसे मुक्ता जी ठीक हुई है, आप भी हो सकते हैं, क्योंकि ये अच्छी हुई है और ये खुद होकर इस बात को बोल रहे हैं। इसीलिए ऐसे निराश और हताश लोग जिनको डॉक्टर्स ने ऑपरेशन बोल दिया है, वो ऑपरेशन कराने से पहले आरोग्य पीठ एक बार जरूर आए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं भगवान हूँ ठीक करता हूँ, लेकिन ये भारत की परंपरा, भारत का ज्ञान, ये ऐसा अद्भुत ज्ञान है। मेरे यहाँ के जो साथी हैं, जो थेरेपिस्ट हैं, जो ट्रीटमेंट देते हैं, वो नॉलेजेबल हैं, नॉलेज है उनको, वो एक्सपर्ट हैं, सर्टिफाइड हैं। ऐसे लोग जब ट्रीटमेंट करते हैं तो लोगों को लाभ होता ही है। तो आरोग्य पीठ एक बार आइए, और हाँ, इनके संदेश को अधिकतम लोगों को शेयर करिए। क्यों? अच्छी चीज़ प्रमोट करनी चाहिए, उसको शेयर जरूर करना चाहिए। पता नहीं कौन निराश है, कौन उदास है, किसकी ज़िंदगी में अंधेरा नजर आ रहा है, आपकी एक शेयरिंग उसकी ज़िंदगी में रोशनी का काम करे। किसी की वीडियो ही होगी जो आपने देखा और आप हमारे पास आई है, तो ऐसे ही इनकी वीडियो भी कोई देखेगा, उसको ट्रस्ट होगा। ट्रस्ट तभी आता है जब, मतलब मुझे ना पूछो, इनको पूछो ठीक होते हैं कि नहीं होते, है ना, आराम तो लग जाता है जी। तो ऐसा ही आरोग्य पीठ का ये क्रम है, ऐसे अच्छे काम में आप भी हमारे भागीदार और सहयोगी बने, इसके लिए मैं आपसे निवेदन भी करता हूँ और धन्यवाद भी करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कंधा दर्द, गर्दन दर्द, कमर दर्द, गैस, एसिडिटी, माइग्रेन बहुत सारे रहते हैं, और अगर घुटनों की बीमारी आ गई तो एक एक कदम पहाड़ जैसे लगने लगता है और जिंदगी बोझ बन जाती है। बीमारी की कोई उम्र नहीं है। आरोग्य पीठ लाया है बिना दवा, बिना साइड इफेक्ट के इतनी भयंकर बीमारियों को रिवर्स करने का जबरदस्त तरीका, वेलनेस न्यूरोथेरेपी। तो देर किस बात की, अभी फोन उठाओ, कॉल करो और अपने रोगों से, अपनी बीमारियों से परमानेंट छुटकारा पाओ।